जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है और लगभग दो कैटेगरी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और इसमें जो है काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, और अगर एक लेबर कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तब भी इस वीडियो को देखिए। अगर आपके पास में किसी भी तरह की स्किल्स है तो आप तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं जा पाएंगे तो आपको नॉलेज मिल जाएगा इससे रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, हो सकता है आपकी वजह से किसी भी भाई बंधु को जॉब मिल सके। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है काफ़ी बेहतरीन है, और ये जो है हमारे पास में कतर से रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कतर के रिगार्डिंग। जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, ये एक सीवी सिलेक्शन है। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपका सीवी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये सीवी सिलेक्शन है और आपका जैसे ही सिलेक्शन होता है तो आपको इसमें एडवांस भी पे करना होगा। उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेकिन सिलेक्शन से पहले आपको कोई भी रुपया नहीं देना होगा। जब आपका सिलेक्शन आएगा तभी आपका आगे का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। तो मैं आपको पूरी डिटेल्स बता देता हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें और क्या क्या टर्म कंडीशन है, वो सारी चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले जो कंपनी में आपको काम करना रहेगा वो एक हेल्पर का काम करना रहेगा, और कंपनी किस चीज़ की कंपनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, प्लास्टिक फैक्ट्री कंपनी है। ठीक है, प्लास्टिक फैक्ट्री, उसके अंदर प्लास्टिक के जो सामान वगैरह हैं वो बनते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सारी चीज़ होती है, तो उसके अंदर हेल्पर का काम करना रहेगा आपको। तो उसमें आपको काम जो रहेगा वो एक हार्डवर्क रहेगा। आप ये सोचिएगा, अगर आप जा रहे हैं तो एक जनरल हेल्पर में हार्डवर्क रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा मेरे को आसानी से पैसा मिल जाएगा, मैं आसानी से वहाँ पे जाके काम करूँगा और पैसा मिल जाएगा। जनरल वर्कर में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई आपको ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही काम करना रहेगा, कोई भी काम वहाँ पे करना पड़ेगा। 10 दिन ये काम किया, 10 दिन वो काम किया, लेकिन आपको फैक्ट्री के अंदर ही काम करना रहेगा, जो कंपनी होती है उसके अंदर ही काम करना रहेगा, बाहर का नहीं रहता है इसमें। लेकिन इसमें जो बंदा मांगा है वो स्ट्रॉन्ग बंदा मांगा है, जो हार्ड वर्क पहले यहाँ पे कर चुका है ऑलरेडी, तो वो बंदा इसमें चल जाएगा। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पासपोर्ट का दोनों साइड का स्कैन और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में एक आपका सीवी, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे ये मेल आईडी पे भेजिए, व्हाट्सएप पे स्कैन करके भेजिए। जैसे ही आपका सिलेक्शन रहेगा इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। और इसमें जो है, अब हमें एक स्ट्रॉन्ग यानी कि हार्डली वर्क करने वाला चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ आपने अभी एजुकेशन 10th 12th की हो उसके बाद में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपका ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बताया गया कि हार्ड वर्क करने वाला बंदा चाहिए। तो जिस बंदे ने ऑलरेडी यहाँ पर खेती किसानी कर चुका है या कोई हार्ड वर्क में काम कर चुका है तो वही इस काम में अप्लाई कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो टर्म कंडीशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। कंपनी आपको इसमें पासपोर्ट कोई भी हो दोनों चलेगा, पासपोर्ट ECR हो या ECNR हो, और इसमें कंपनी आपको एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड कर रही है। और इसमें ड्यूटी जो रहेगी आपकी 8 घंटे की रहेगी, 8 घंटे की ड्यूटी की जो रहेगी आपकी सैलरी वो 800 कतरी रियाल रहेगी और 200 खाने का मिलेगा आपको, यानी कि 1000 कतरी रियाल आपको सैलरी मिलेगी। और इसमें 8 घंटे के बाद में जो है प्लस ओवर टाइम भी आपको इसमें कतर के लेवल लोग के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म एंड कंडीशन है। अगर कोई भी बंदा इसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसकी एज 21 से 35 साल के बीच में अप्लाई कर सकता है। अगर 40 तक भी होगी तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करके देख लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, हमारे पास में जो दूसरा काम है वो है बहरीन से, और काफ़ी अच्छा काम है ये भी। अगर आप इसमें भी जाना चाहते हैं तो वीडियो को आगे तक देखते रहिए और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। ये जो रहेगा बहरीन का काम है, और इसमें जो आपको है हमें ज़रूरत वो AC टेक्नीशियन की ज़रूरत है। अगर आपको AC का काम आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह का पूरा काम आना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि उस काम की भी नॉलेज होनी चाहिए, और इसके साथ साथ में आपको AC का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। चाहे यहाँ पर आप कोई सी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर किसी भी कंपनी का आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अदरवाइज आप दुकान पर रह के काम किए हैं और आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज़ अपना CV एक अपना बनवाइए और पूरा एक्सपीरियंस सर्टिफिक जो है एक्सपीरियंस है आपको उसके अंदर पूरा अच्छे से मेंशन कीजिए, हमें डॉक्यूमेंट्स भेजिए। अगर आपका काम होता है तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे।
क्योंकि ये भी एक सीवी सिलेक्शन है, अगर आप इसमें भी जाना चाहते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स इसमें आपको बता देता हूँ। कंपनी जो इसमें आपको प्रोवाइड कर रही है एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़, अदर बेनिफिट जो हैं बहरीन के जो है लेवल लोग के हिसाब से प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें जो है आपका पासपोर्ट ECR हो या ECNR हो, दोनों पासपोर्ट एक्सेप्ट हैं। और इसमें आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो 10 घंटे की रहेगी, और 10 घंटे के बाद में जो रहेगा वो ओवर टाइम रहेगा, लेकिन ओवर टाइम जो डिपेंड करता है वो आपको बहरीन के लेवल लोग के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद में जो है आपको 10 घंटे की जो ड्यूटी की सैलरी रहेगी वो 130 BD बहरीनी जो आपकी सैलरी रहेगी, 130 BD। और उसके बाद में 20 BD आपकी जो जो है फूड के लिए दिए जाएंगे, तो यानी कि 150 BD आपकी जो है बहरीन के हिसाब से सैलरी है। आप सर्च कर सकते हैं बहरीन का जो करेंसी है वो क्या रेट है और यहाँ का क्या रेट है, ठीक है, आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं आपका इंडियन रुपीज़ में कितना हो रहा है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले घर में डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद में कोई सी भी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें बाद में कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और ये दोनों CV सिलेक्शन है, इसमें थोड़ा पहले CV में सिलेक्शन में टाइम लगता है लेकिन बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके सिलेक्शन के बाद में आपको जो भी है आगे प्रोसेस किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो देना है पासपोर्ट का दोनों साइड स्कैन, पासपोर्ट साइज फोटो वाइट बैकग्राउंड में, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका जरूर होना चाहिए अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर हेल्पर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ आपका CV जरूरी है, पासपोर्ट दोनों साइड स्कैन और पासपोर्ट साइज फोटो वाइट बैकग्राउंड में। ये डॉक्यूमेंट्स आप भेजिए स्कैन करा के, तभी आपका काम किया जाएगा। वहाँ पे मेंशन कीजिए मैं इस काम के लिए भेज रहा हूँ, तभी आपके डॉक्यूमेंट्स आगे लगाए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं कि खाली डॉक्यूमेंट्स भेजे और उसके बाद में जो है वहाँ पे मेंशन नहीं करते किस काम के लिए भेजे गए डॉक्यूमेंट्स, तो हमें भी कन्फ्यूजन रहती है और आपको भी फिर सहारा रहता होगा कि भाई हमने डॉक्यूमेंट्स भेजे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कभी भी डॉक्यूमेंट्स भेजें तो वहाँ पे मेंशन करें इस काम के लिए डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर अगर ये आपकी प्रोफाइल से जॉब मैच करती नहीं है तो तभी भी मैं डालूँ तो आपको मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।